नमस्कार दोस्तों, आज गाड़ी में लेके आ गया हूँ यहाँ पर वर्कशॉप पे महिंद्रा के, भगवती का है। और जैसे एक्सीडेंट हो गया तो ये सामने का फ्रंट बम्पर चेंज होगा, फॉग लाइट चेंज होंगी, ये जो फेंडर था ये फेंडर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसमें डेंट आ गया है, वो चेंज होगा। और क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो कार अपनी खुल चुकी है, मैं आपको डैमेज दिखा देता हूँ। इनिशियली मैंने आपको डैमेज दिखाया था कि जो फ्रंट बम्पर है उसमें क्रैक है, फॉग लाइट जो है वो चेंज होएगा। इस पर कोई भी उतना इम्पैक्ट नहीं है, जस्ट ये वाला जो ब्रैकेट है वो हल्का सा मिसप्लेस हो गया, हल्का सा, बहुत स्लाइट सा, बाकी सब कुछ इंटैक्ट ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ नहीं है। आई थिंक प्रभु जी हमारे साथ महिंद्रा के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प किया है। इस पे तो कोई चेंजेस नहीं आया ना? नहीं नहीं, उस पे कुछ नहीं। इसमें बस क्या कहते हैं अपने इंटरलॉक लग जाएंगे जो छोटे छोटे आते हैं प्लास्टिक वाले। ये आपका फेंडर चेंज हो रहा है सर? ये मेरा फेंडर चेंज हो रहा है, ये लोग क्या कहते हैं इसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ रिपेयर, क्योंकि ये ब्रैकेट टूट गया है यहाँ पर और प्लस ये मुड़ भी गया है तो ये सीधा नहीं होएगा, तो इसके लिए पूरा का पूरा जो फेंडर है वो चेंज हो रहा है। मैं जब ये गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी जिस दिन, उस दिन एक कंप्लीट रिव्यू दे दूंगा कितने का खर्चा आया, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो सब मैं आपको एक बार अंदाज़ा दे दूंगा। और अभी तक की तो सर्विस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ महिंद्रा की, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। गाड़ी अपने को मिल चुकी है, ये वाला जो फेंडर है वो चेंज हुआ है, कलर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बहुत बढ़िया काम किया है। ये फॉग लाइट चेंज हुई है, और वैसे तो ये गाड़ी क्या कहते हैं बेस वेरिएंट है M4, पर मैंने ये भी पेंट करवा दिया है। टॉप मॉडल में शायद से हल्का सा ग्लॉसी ग्रे आता है, पर ये हल्का सा मैंने ग्रे ही है, पर थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ग्रे है, रॉकी बेज जो कलर है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा लग रहा है। बीइंग अ बेस वेरिएंट मैंने ये भी पेंट करवा दिए हैं, जो इससे ऊपर का मॉडल है N8, N10 R और N10 ऑप्शनल, उस पर आता है, तो ये सारा काम हुआ है। मेरे यहाँ पर एक स्लाइड सा डेंट भी था, वो भी मैंने निकलवा दिया है, यहाँ पर था जो 407 से जब टच हो गई थी तब का। अब गाड़ी की ये कंडीशन है, गाड़ी जैसे शोरूम से निकलती है एज़ इट इज़ वैसे ही दिख रही है, कहीं पे भी कोई दाग नहीं, कोई कुछ नहीं। और दीज आर दी मैसिव टायर्स जो मैंने डलवाए हैं, 235/70 R15 गुडियर के। प्रभु जी ये यहाँ पर क्या कहते हैं वर्कशॉप मैनेजर है, जिन्होंने क्या कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। और मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, काम के बारे में बताएं, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा बताएं कि लेट्स से कभी गाड़ी उनकी क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो जाता है या दे मेट विद इन द अनफेवरेबल सिचुएशन, तो क्या क्या करना पड़ता है। ये भगवती की डीलरशिप है महिंद्रा की, जो अभी रिसेंट में खुली है। बॉडी शॉप वर्क पहले यहाँ पर नहीं होता था सीधी जिले पर, लेकिन अभी ये नया बना हमारा शोरूम, यहाँ पे बॉडी वर्क के लिए पूरी मशीनें अपने पास अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि पेंट बूथ भी है और मिग बिल्डिंग भी है और इसके साथ स्पॉट बिल्डिंग भी है। जो भी इक्विपमेंट अपने को चाहिए होता है एक्सीडेंट बॉडी रिपेयर में, वो सारी चीज़ें हैं अपने पास।
ये नया अपना शोरूम है, वर्कशॉप है, यहाँ पे बॉडी का पूरा काम हो रहा है सीधे जिले पे। बहुत बढ़िया, पांडे जी को भी बुलाना चाहूँगा, आइए 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 आइए। दीज आर द पीपल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत टाइम पे बहुत चीज़ें अरेंज करके मुझे मेरी गाड़ी दे दी, और आई एम रियली हैप्पी विद दिस सर्विस, महिंद्रा की सर्विस से मैं बहुत खुश हूँ सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रभु जी। आप लोगों का अपनापन है सर, और दिवाकर जी भी यहाँ पर हैं। मैं तो हमेशा चाहूँगा कि आपका ऐसे ही आप हमारे पास से मुस्कुराते हुए जाए, ये हमारी हमेशा की उम्र रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका सहयोग बहुत अच्छा था सर, इस वजह से हम आपका बहुत अच्छा काम कर पाए। ये जो भी हुआ है इसका देन सिर्फ आपने, अगर आप मुझे इतना भरपूर टाइम ना देते तो मैं और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ महिंद्रा से, महिंद्रा की सर्विस से। स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक ओवर द फ्रंट लाइन, पांडे जी, प्रभु जी, दिवाकर जी, थैंक यू।